भारत से गेहूं लेकर बांग्लादेश जा रहा मालवाहक जहाज डूब गया। ये घटना तब हुई जब मालवाहक जहाज बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मेघा नदी में था। यह उथले पानी में तटबंध से टकराने के कारण जहाज में दरार हो गई और उसमें पानी घुस जाने के कारण ये घटना हुई। ये मालवाहक जहाज 1600 टन गेहूं लेकर नारायणगंज नदी बंदरगाह की ओर जा रहा था। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि मालवाहक जहाज मंगलवार को चटोग्राम बंदरगाह के बाहरी लंगर गाह में एक बड़े जहाज से माल लादकर ढाका के बाहरी इलाके में नारायणगंज नदी बंदरगाह की ओर जा रहा था। यहां से गेहूं को एक निजी आटा मिल में पहुंचाया जाना था। बांग्लादेश के जल परिवहन प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव आता उल कबीर ने बताया कि पूरा गेहूँ पानी में डूब गया। इस गेहूं के मिलने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जहाज पूरी तरह से नहीं डूबा था। वहीं तटीय जिले लक्ष्मीपुर के तिलारचार इलाके में एक समुद्र तट पर पहुंच गया था। जहाज के शिपिंग एजेंट ने बताया कि एक तटबंध की चपेट में आने के बाद जहाज के सामने के हैच में एक दरार हो गई, जिसके चलते जहाज में बड़ी मात्रा में पानी घुस गया और जहाज माल के साथ पानी में डूब गया। कार्गो के अधिकारियों ने माल की कीमत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं की कीमत लगभग 66.4 मिलियन टका थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।